निर्गमन अध्याय तेरह। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएलियों में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह तो मेरा ही है। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। आबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो, इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, एमोरी, हिव्वी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, तब तुम इसी महीने में पर्व करना, 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना। इन 7 दिनों में अखमीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में न खमीरी रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्र को यह कह के समझा देना कि यह तो हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। इस कारण तुम इस विधि को प्रतिवर्ष नियत समय पर माना करना। फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुमसे भी खाई है तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर उसको तुम्हें दे देगा, तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उनको और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं, और गधी के हरेक पहलौटे की संति मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलौटे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे कि क्या यह क्या है, तो उनसे कहना कि यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना न चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहलौठों को मार डाला। इसी कारण पशुओं में से तो जितने अपनी अपनी माता के पहलौठे नर हैं, उन्हें हम यहोवा के लिए बलिदान करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। और यह तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी भवों के बीच टीका सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देख तब पछता कर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला, और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहके कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा दिया, और यहोवा
उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया।